वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले डेफिनेशन ही आती है, व्हाट इज पावर। पावर वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इस बच्चे की याद करने की पावर बहुत जल्दी है, बड़ी जल्दी जो है इसको याद होता है, ठीक है। पावर जो है वो दो चीजों से रिलेटेड है, वर्क डन, जो ज्यादा याद करता है इसका मतलब उसकी याद करने की पावर ज्यादा है, और जो कम टाइम में याद करता है इसका मतलब उसकी भी याद करने की पावर ज्यादा है, ठीक है। तो जो ज्यादा काम करे कम टाइम में इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं इस बच्चे की खाना खाने की पावर बहुत ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा खाना खाता है कम टाइम, ठीक है। तो पावर जो है दो चीजों से रिलेटेड है, वर्क डन एंड टाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर हमें पता है जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। कोई भी अप्लायंस जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा कम टाइम में इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक पावर उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका सिंबल है पी, पावर जैसा ही सिंबल है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पर एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से, ठीक है। इन सब चीजों को हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को सारी चीजें बिल्कुल साथ के साथ लर्न होती जाएंगी। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर है क्या? डेफिनेशन में हम लिखेंगे इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब इसके बारे में कई सारी चीजें जो कि आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल क्या है? सिंबल इज पी। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पावर का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी। टी का मतलब यहां पर टाइम से। इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या है? व्हाट इज द डेराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? हम फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल, जे स्मॉल लिखना भी, और टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट क्या बन जाएगी डेराइव्ड यूनिट? जूल पर सेकंड। यहाँ पे जूल, जे जो है वो कैपिटल है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। ऐसा यूनिट क्या है? वॉट, W स्मॉल ध्यान रखना, और सिंबल में W कैपिटल। एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट का नाम शायद आपने सुना होगा, इन्होंने सबसे पहले स्टीम इंजन बनाया था। उनके ऑनर में पावर की यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या रखी गई? वॉट रखी गई, ठीक है। अब हम 1 वॉट की डेफिनेशन बनाएंगे, रटनी नहीं है डेफिनेशन, हमें बनानी है। व्हाट इज 1 वॉट, ठीक है। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट कंज्यूम्स हाउ मच एनर्जी? 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन हाउ मच टाइम? इन 1 सेकेंड। देखो डेफिनेशन जो है हमने इसकी कैसे बनाई,
हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो 1 जूल की एनर्जी को कंज्यूम करता है, कितने टाइम में, 1 सेकंड। ठीक है, हमें पता है जूल पर सेकंड जो है वो इक्वल है किसके, वॉट के। तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। द पावर, यहां से देखा सभी फॉर्मूले से, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 1 सेकंड ऑफ टाइम। उस पावर को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। इसकी बड़ी यूनिट जो है वो क्या है, किलोवाट। किलो में के स्मॉल है, ध्यान रखना, किलो वॉट। और 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000 वॉट। इसी तरह से और बड़ी यूनिट है इसकी, मेगावाट। 1 मेगावाट में कितने वॉट, 10^6 वॉट। ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर और उससे रिलेटेड टर्म्स। अब पावर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं जिनकी डेरिवेशन है, और खास बात क्या है कि एनसीईआरटी में इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन नहीं दे रखी, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इनको अपने आप डेराइव कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में इनकी डेरिवेशन आती है। ठीक है, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P = VI, P = I²R, P = V²R, और इन तीनों में से किसी की भी डेरिवेशन आ सकती है और ये काफी इजी है। ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और एग्जाम में तब आती है तब एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं उनके, ये तो हमने किया ही नहीं कभी, पावर के फॉर्मूले डेराइव किए ही नहीं। तो अब हम पावर के जो 3 फॉर्मूले हैं वो डेराइव करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है P = VI। P का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक पावर, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट। कैसे प्रूव करेंगे हम जो है पावर के फॉर्मूले से इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम, इलेक्ट्रिक पावर। हमने पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिख दी और अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता है। हमें पता है एनर्जी या वर्क डन एक ही बात, दोनों की यूनिट भी सेम होती है जी। ठीक है, जूल। वर्क डन जो है वो होता है हमेशा एनर्जी की वजह से, अगर किसी चीज के अंदर एनर्जी है तभी वो वर्क कर सकता है। ठीक है, तो पावर को हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है W/Q के बराबर है। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, W को यही रखो, W = V/Q। क्लियर, तो हम P की जगह P रखेंगे, W की जगह मैं क्या रख दूंगा, वर्क डन की जगह क्या रख दूंगा मैं, V × Q। V का मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, Q का मतलब चार्ज, मैंने W की जगह क्या रख दिया, V × Q। क्लियर, T की जगह T। ठीक, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है करंट का, I = Q/T। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। तो इस सारे के सारे Q/T की जगह, इस Q/T की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, Q/T की जगह I पुट कर सकता हूं, P की जगह P, V की जगह V, और Q/T की जगह क्या आ गया, I। यही हमें प्रूव करना था, P = VI। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 स्टेप के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला जहां से आया है वो लिखना है,
एनर्जी की जगह बर्बन क्यों आ गया, वो आप लिखोगे कि एनर्जी और बर्बन दोनों आपस में बराबर होते हैं। W की जगह B इंटू क्यू क्यों आ गया, आप फॉर्मूला लिखोगे B इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q अपॉन T की जगह I कैसे आ गया, आप ये लिखोगे वे, ठीक है। तो इस तरह से चार स्टेप के बाद हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। अब हम सेकेंड फॉर्मूला प्रूव करेंगे। सेकेंड फॉर्मूले में हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ यही बता रहा हूँ। सेकेंड फॉर्मूले में हमें प्रूव करना है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पी का मतलब इलेक्ट्रिक पावर, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस। यहां तक प्रूफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां तक हमें जो हमने प्रूव किया था उसके बाद इसको हम प्रूव करेंगे। यहां तक एज इट इज, उसके बाद जो है एक दो स्टेप एड हो जाएंगे। क्या क्या देखते जाए आप सभी, हमें यहां पे प्रूव करना है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास प्रूफ पहले आ चुका है, ठीक है। हम P की जगह P रखेंगे। यहां पर देखिए V जो है वो नहीं, जो हमें प्रूव करना है उसमें V नहीं है, जबकि यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, V आ रहा है। इस V को यहां से भगाओ, V हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और V को भगाने का तरीका क्या है, हम फॉर्मूला लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर। कहां से आया फॉर्मूला, ये बाई ओम्स, ठीक है। V की जगह मैं क्या पुट कर दूं अब, I इंटू आर। V की जगह मैंने क्या पुट किया, I इंटू आर, I की जगह I ही रहेगा। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब थर्ड जो है वो फॉर्मूला हमें प्रूव करना है पावर का, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर P का मतलब इलेक्ट्रिक पावर, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, R का मतलब रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे बाई इक्वेशन वन। इक्वेशन वन जो हमारे पास आई थी इसको लेते हैं, इक्वेशन वन इसको लेते, ये इक्वेशन बाय इक्वेशन वन, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब हमें यहां पर जो प्रूव करना है उसमें आप देखिए P है, P हमारे पास यहां भी है, जो हमें प्रूव करना है उसमें V है, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें भी V है, ठीक है। यहां पर हमारे पास I है करंट, जबकि जो प्रूव करना है उसमें हमें I नहीं चाहिए, ये I हमारे पास अनवांटेड है, ये वाला है। इसको यहां से हटाओ, हटाने का यही तरीका V इज इक्वल टू आई आर। कहां से आया फॉर्मूला, बाई ओम्स, ठीक है। और इस I की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, I को यहीं रखो, R को नीचे ले जाओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, P की जगह P इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू V की जगह V, हमें इस I को हटाना है, I का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, V अपॉन R। I की जगह मैंने क्या पुट किया, V अपॉन R। कहां से आया फॉर्मूला, ओम्स लॉ से, V इंटू V, V स्क्वायर। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये पावर का थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले इसको हम एक बार यहां देख लेते हैं। पहले फॉर्मूले में हमने क्या प्रूव किया, P इज इक्वल टू वी आई, दूसरे में P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तीसरे में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन। ये पावर के तीन फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। हर एक में ध्यान रखें, तीन टर्म है, पी वी आई, पी आई आर, पी वी आर। आपको कोई भी दो टर्म दे दी जाएगी, तीसरी जो है वो पूछी जाएगी, और ये इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस समय आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू वी आई लगेगा, V स्क्वायर अपॉन R लगेगा, और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में। नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट आर। व्हाट इज किलोवाट आर, किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी यूनिट हमें पता है क्या होती है, जूल, लेकिन जूल एक छोटी यूनिट है। कमर्शियली बड़े स्केल पे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की बड़ी यूनिट चाहिए, और वो क्या होगी, इट इज
किलोवाट आवर, ठीक है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर, नहीं, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है। जो भी हमारा बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। जैसे ये कहा जाता है 200 यूनिट बिजली की फ्री है, तो एक्चुअल में 200 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे लिए फ्री है। किलोवाट आवर एंड यूनिट बोथ आर सेम टर्म, ठीक है। व्हाट इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो 1 किलोवाट का है, एक घंटे के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर, इट इज द एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट इन 1 आवर, उसको हम क्या कहेंगे, किलोवाट आवर। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, उसको हम यहां पर अभी डेराइव करेंगे कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले किलोवाट आवर की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द एनर्जी, एनर्जी का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर, अप्लायंस की पावर कितनी, ऑफ पावर 1 किलोवाट, या हम लिख सकते हैं 1000 वोल्ट इन हाउ मच टाइम, 1 आवर, उसको हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। हम ये फाइंड करना चाहते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 kWh। एक एक चीज ध्यान से देखना, किलो का के स्मॉल, वाट का W कैपिटल, आर का H स्मॉल, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल। सबसे पहले किलो, किलो का मतलब ही 1000 होता है, किलो मींस 1000, ठीक है। और आर को हम चेंज करेंगे सेकंड में, एक आर में कितने मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10^5, 6, 6, 36, यह आ जाएगा 3.6 × 10^6, मतलब 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 × 10^6 जूल होते हैं, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे रह गई थी डिस्कस करनी, होर्स पावर, व्हाट इज होर्स पावर। शायद कुछ बच्चों ने होर्स पावर वर्ड्स जो है वो सुना भी हुआ, ठीक है। गाड़ियों में BHP होता है, बेसिक हॉर्स पावर। व्हाट इज हॉर्स पावर, इट इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, पावर की प्रैक्टिकल यूनिट को हम क्या कहेंगे, हॉर्स पावर। एक बात ध्यान रखना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनकी पावर को हम हॉर्स पावर में भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पानी की मोटर होती है वो 1 HP की है, 1 HP का मतलब 746 वाट की है। अगर हम कहें कि पानी की मोटर 2 HP की है, 2 HP का मतलब इसका डबल, ठीक है, 2, 5, 15 इतने वाट की होगी, ठीक है। आधे हॉर्स पावर की है, इसका हाफ हो जाए, ठीक है। तो हॉर्स पावर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर की एक तरह से यूनिट को हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट को हम क्या कहेंगे, हॉर्स पावर। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो 9th में भी था, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। इस तरह का सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, मेरे ख्याल से आप सबके लिए वो सफिशियंट होगा और रिकॉल हो जाएगा, आपके माइंड में दोबारा से भी आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वो टॉपिक अच्छी तरह से किया हुआ है कि हमें एक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, वो हम किस तरह से निकालेंगे। 1 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है, उसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, टेबल दी हुई है। टेबल में क्या क्या चीजें हैं, अप्लायंस, पावर,
नंबर टाइम, चार कॉलम दे रखे हैं। अप्लायंस का नाम जैसे यहां पर दे दिया आपको, बल्ब की पावर 25 वॉट, बल्ब के नंबर 4, कितने घंटे यूज करते हैं बल्ब को, 10 आवर्स। इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि एक घर है जिसमें चार बल्ब हैं, हर एक बल्ब की पावर 25 वॉट, उनको हम कितने घंटे यूज करते हैं, 10 आवर्स। इसके अलावा फैन है और कूलर है, ठीक है। ये मान लो एक कमरा है, उसका हमें बिल निकालना, ठीक है। फैन जो है वो कितने हैं, 2 फैन हैं, 150 वाट के हैं, 20 आवर्स तक उनको यूज करते हैं। कूलर एक है, ठीक है, 250 वाट का है और उसको हम यूज करते हैं 8 आवर्स के लिए। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बिल निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का, जून, एट द रेट ऑफ ₹5 पर किलोवाट आवर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट होगा, आपको हर चीज इसमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो है हम ये निकालेंगे कि हर एक अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी कंज्यूम्ड बाई बल्ब्स, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू P × T, क्लियर। बल्ब की पावर कितनी है, बल्ब की पावर कितनी है, 25 वॉट। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, इनटू कितने टाइम तक यूज करते हैं बल्ब को, 10 आवर्स, इनटू कितने बल्ब हैं, 4, सॉल्व कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटी, 25 बन जा, 4 से 4 कटा, 1 किलोवाट। इसी तरह से एनर्जी कंज्यूम्ड बाई फैन, फॉर्मूला वही, इज इक्वल टू P × T, वो क्या आ जाएगा, पावर कितनी है फैन की पावर, 150 वॉट, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, इनटू कितने आवर्स तक यूज करते हैं, 20 आवर्स, इनटू कितने फैन हैं, 2 फैन, सॉल्व किया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटा, 2 फाइव जा, 5 थ्री जा, 3 टू जा, 6 किलोवाट। इसी तरह से एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कूलर, कूलर की पावर 250 वॉट, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, इनटू कितने घंटे यूज करते हैं, 8 घंटे, 8 घंटे, इनटू 1 कूलर, इसको भी सॉल्व किया, एक जीरो से एक जीरो, 25 1 4 कट 2 आया, 2 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम बाई ऑल अप्लायंसेस इन वन डे, सभी मिलकर एक दिन के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले बल्ब 1, उसके बाद फैन 6, उसके बाद कूलर की कितनी आई थी, 2, कितना आ जाएगा, 9 किलोवाट। हमें निकालना है बिल जून के महीने का, ठीक है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, क्योंकि जून के महीने में 30 डेज होते हैं। अगर जुलाई या अगस्त दिया होता तो हम 31 से इसको मल्टीप्लाई करते, 30 × 9 यह आ जाएगा 270 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है ₹5। हमने एक दिन के अंदर टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 270, तो 270 किलोवाट आवर कॉस्ट, 270 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1350। कितना बिल आ जाएगा वन मंथ का, जून के महीने में।
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपने नाइन्थ में भी किया था, टेंथ में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक के साथ ही ये जो चैप्टर है उसका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, और मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और उसको सोल्व करने का तरीका ये होगा कि आप वीडियो देखते जाएं, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखते जाएं, उन क्वेश्चन को समझते जाएं, फिर अपने आप सोल्व करें। क्योंकि जो चीज़ आप अपने आप सोल्व करते हो वो आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाती है। जहाँ पर भी आप अटको, वीडियो को ऑन किया, फटाफट देखा। ये आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना, ये नहीं कि जो है आँख बंद करके आराम से वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट जो क्लास में होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, एक जो पहले वीडियो है उसका एक क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज किया, पॉज करने के बाद आपने उस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व किया। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर दोबारा से चेक। इस तरह से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको एग्जाम तक बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है। और जो बच्चे इन बातों को फॉलो करेंगे बिल्कुल श्योर है कि उनके मार्क्स 90% एंड अबव हैं। नंबर कम सिर्फ उन बच्चों के आते हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अपना दिमाग आपको इस्तेमाल नहीं करना, डू एज डायरेक्टेड, जैसे आपको बताया जाता है आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अपने आप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, ठीक है। ओके, इन चीज़ों को साथ साथ लर्न करें, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा नेक्स्ट दो दिन बाद जो है इसका टेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ अपनी तैयारी बिल्कुल अप टू डेट रखें। ओके, थैंक यू।